गाइस, मैं हूं एयरवे न्यूज़ डिजिटल की नन्ही रिपोर्टर महानिल ब्लॉच। आज मैं आपको खानपुर की ऐसी स्वीट डिश के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप कश्मीर की हसीन वादियों में पहुंच चुके होंगे। आइए मेरे साथ में रहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको कश्मीर लेके जाने लगी हूँ, पर नहीं, ये हमारे खानपुर की सौगात है कश्मीरी नान। आज हम आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर, जैसे कि कश्मीरी नान जो है, जितनी भी चीजें कश्मीरी नान में जो है वो डलती हैं, वो मेरे साथ जो वो मौजूद हैं, जैसे कि बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, किशमिश होगी, छुआरे हो गए, कोकोनट पाउडर हो गया। और जब इन सब चीज़ों को जो है तैयार किया जाता है, तब इतनी लजीज तरीके से वो जो है खाने का जब टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लजीज होता है। जो खाने के मीठे के शौकीन भी नहीं है ना, उनको भी ये बहुत पसंद आता है। मुझे लगता है कि कश्मीरी नान इसका नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें डलती हैं ये पहाड़ी इलाके से आती हैं। कश्मीर नान बनाने के माहिर कारीगर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो जो है कैसे जो है कश्मीरी नान बनाते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शुएब। आप इतने लजीज लजीज जो है कश्मीरी नान बनाते हैं, वो कहाँ किस तरीके से तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं? ये हम इसमें ज़्यादा हम ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, जैसे बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गए और किशमिश हो गई, चेरी हो गई, ज़्यादा हम इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। तो ये कश्मीर से हमने सीखा है, ये कश्मीर की बहुत ही बड़ी प्यारी सौगात है, तो हम ये कश्मीर से सीख के आए हैं। अभी हम ये खानपुर में चला रहे हैं, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ जो है मीठे के शौकीन हैं इस वक्त मौजूद हैं, वो कश्मीरी नान का इंजॉय कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उनको खानपुर का कश्मीरी नान कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको खानपुर का कश्मीरी नान किस तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कैसा अच्छा लग रहा है? जी माशाल्लाह, हम जो है ना अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं खान अमेर खान से, तो यहाँ का जो कश्मीरी नान है हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका माशाल्लाह जो यूनिक टेस्ट है, मुझे कश्मीर की वादी का जो मेवा जाता है उसकी याद दिलवा देता है और माशाल्लाह एक बहुत ही यूनिक टेस्ट है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा।